लिपोसक्शन। जब भी इस सर्जरी की बात आती है तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि ये सर्जरी केवल ओबेज लोगों के लिए परफॉर्म की जाती है। तो क्या यह सच है? जी नहीं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पास जो भी लोग लिपोसक्शन के लिए आते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 40% ऐसे होते हैं जो ट्रूली ओबेज होते हैं। बाकी के ऑलमोस्ट 60% ऐसे होते हैं जो या तो नॉर्मल वेट है या थीन है। ऐसा कैसे? वो लोग क्यों लिपोसक्शन सर्जरी करवाते हैं? ये समझने के लिए लिपोसक्शन सर्जरी का स्कोप क्या है और वो आपको कैसे हेल्प करती है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइए शुरू करते हैं। लिपोसक्शन से जुड़ी ऐसी कुछ खास बातें आपको बताना चाहूँ तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि लिपोसक्शन आपके स्टबन फैट डिपॉजिट्स को रिमूव करता है। फ्रेंड्स, अगर आप थिन है, नॉर्मल है या ओबेज है, लेकिन आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इस तरह के स्टबन फैट डिपॉजिट्स हो सकते हैं जो आपके जेनेटिक्स के ऊपर, आपके हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे फैट डिपॉजिट्स को आप डाइट से, एक्सरसाइज से या कोई मेडिसिन से या कोई भी तरह से रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। और ऐसे केसेस में लिपोसक्शन एक बेस्ट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन है। मैंने ऐसे कई थीन एंड लीन लेडी को देखा है जिनको हिप्स के पार्ट में या बट्स के पार्ट में एक्सेस डिपॉजिट्स है, या तो कई लेडी में थीन एंड लीन होने के बावजूद भी उनके आर्म से वो ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में ये स्टबन फैट को रिमूव करके अच्छा बॉडी शेप देने में लिपोसक्शन बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसकी दूसरी पिक्युलरिटी ये है कि वो टारगेटेड फैट रिडक्शन करता है, टारगेटेड इम्प्रूवमेंट दे सकता है। आप एक्सेस फैट के लिए डाइटिंग, एक्सरसाइज, मेडिसिन कुछ भी करते हैं, लेकिन उससे जो आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है वो जनरलाइज मिलता है, यानी कि वो पूरे बॉडी से आपकी फैट लॉस होती है। और कई बार ये सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ बॉडी पार्ट्स में जो फैट है वो रह जाती है, जिसे टारगेटेड वे में आप रिड्यूस करने के लिए लिपोसक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जो फैट सेल्स को परमानेंटली रिमूव करके आपको अच्छा बॉडी शेप दे सके। तीसरी बात यह है कि लिपोसक्शन एक बॉडी शेपिंग या बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर है, वो कोई वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है। आप अच्छे कब दिखते हैं? जब आपके सारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ प्रपोर्शन में है, चाहे वो आपके फेस हो सकता है, चेस्ट हो सकती है, टमी हो सकता है, लवेंडर्स हो सकता है, बैक हो सकता है, या थाइज या काफ्स हो सकते हैं। लेकिन जब वो अच्छे प्रपोर्शन में है तब आपकी एक पर्सनालिटी है, अच्छी दिखती है। और लिपोसक्शन है वो डेफिनेटली यही करने में आपको हेल्प कर सकता है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको खास हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ कि आपके जो बॉडी इमेज कंसर्न्स है वो आपके बॉडी शेप से रिलेटेड होते हैं, वो आपके बॉडी वेट से रिलेटेड नहीं होते हैं। मैंने ऐसे कई थिन एंड लीन इंडिविजुअल्स को देखा है जो अपने बॉडी से, बॉडी शेप से खुश नहीं है क्योंकि उनके कुछ पार्ट्स है वो एक्सेस है। जबकि मैंने ऐसे वेल बिल्ट और मस्कुलर लोगों को देखा है जिनका वेट काफ़ी है लेकिन फिर भी वो अपने बॉडी से खुश है क्योंकि उन्होंने जिम करके, बॉडी बिल्डिंग करके काफ़ी अच्छा बॉडी शेप अचीव किया हुआ है। इसलिए लिपोसक्शन सर्जरी आपको इस तरह का अच्छा बॉडी शेप और बॉडी इमेज बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर सकती है। और लिपोसक्शन की चौथी खास बात यह है कि आफ्टर द एज ऑफ मैच्योरिटी, आप कोई भी एज में हैं, अगर आप मेडिकली फिट हैं, चाहे आप मेल है या फीमेल है, ये सर्जरी के द्वारा आप अच्छा बॉडी शेप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और खास बात मैं लिपोसक्शन के लिए बताना चाहता हूँ कि ये प्रोसीजर आपके हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन जिस फैट को आप हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज के बावजूद भी रिमूव नहीं कर पा रहे हैं उसे आप इसे कर सकते हैं। जिस बॉडी शेप को आप सब कुछ करने के बावजूद भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उसे आप इस प्रोसीजर के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये एक अमेजिंग प्रोसीजर है जो हर एक पर्सन के लिए अच्छा बॉडी शेप अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकती है। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर बॉडी शेपिंग पार्टनर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।